गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अजमेर रोड पे लोकेटेड जयसिंहपुरा मेडिकल हब के बारे में बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, यहां का आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। जैसे राइट साइड में सुभाषिश होम्स के विलास का और फ्लैट्स का प्रोजेक्ट था, सामने आप देख सकते हैं कि आशियाना के फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, इसके साथ में हैंगिंग गार्डन का प्रोजेक्ट है फ्लैट्स का ही। आशिया जो मैंने अभी आपको सुभाषिश होम्स बताया था, इसके साथ में ही द सफायर पार्क, बहुत ही प्यारी टाउनशिप है 200 फीट के ऊपर, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और ये जो पर्टिकुलर 200 ये जो रोड है, ये 200 फीट का रोड है जो कि अजमेर रोड से मोहाना मंडी की तरफ जाता है, और इसके दोनों तरफ ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एशियन वर्ल्ड स्कूल भी यहीं पे है। अजमेर रोड मुश्किल से यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और दिल्ली पब्लिक स्कूल भी बिल्कुल पास में है। अगर महिंद्रा सेज की बात करें तो रिंग रोड के बिल्कुल उस साइड में महिंद्रा सेज का एरिया है, वो भी बिल्कुल यहाँ से पास में ही है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये मानसरोवर से वैशाली, चित्रकूट, बाकी जो एरिया है उससे बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, इस पर आप देख सकते हैं कि फ्लैट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड की बहुत अच्छी डिमांड है। रेजिडेंस लोग चाहते हैं, बहुत सारे आप में से साथी इस एरिया में किसी ना किसी शादी को अटेंड करने के लिए आए होंगे या रिजॉर्ट में आए होंगे, तो पुराने टाइम से ही लोगों ने इस जगह में काफ़ी अच्छा लैंड बैंक कवर कर रखा है, जो आज वो लोग सेल कर रहे हैं। तो क्योंकि वो किसान नहीं है, वो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो लैंड थोड़ा महंगा आता है, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से प्रीमियम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। जैसे आप देखेंगे रॉयल सेलिब्रिटी के विलास का प्रोजेक्ट है, सामने आप देखेंगे फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है। तो आज मैं आपको इस एरिया में लोकेटेड द सफायर पार्क के बारे में बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है द सफायर पार्क, ये 200 फिट मेडिकल हब रोड के ऊपर लोकेटेड है। ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है आप देख सकते हैं, पीछे जो फ्लैट्स बने हुए हैं सुभाषिश होम्स के फ्लैट्स हैं, वो आशियाना के फ्लैट्स बन रहे हैं, वो हैंगिंग गार्डन के फ्लैट्स हैं, आप देख सकते हैं वाइट वाले। और ये 200 फिट का कॉर्नर की जगह है ये पर्टिकुलर लोकेशन, और इसके सामने से जो रोड जा रहा है ये मेडिकल हब का 200 फिट का रोड है, जिसपे गीतांजलि फाउंडेशन का हॉस्पिटल बन रहा है। अगर आप गोपालपुरा बाईपास रोड की तरफ जाएंगे तो जो गवर्नमेंट की वेस्ट वे हाइट्स योजना है वो इसी पे है, तो यहीं से आप जो बस टर्मिनल है उस पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, या मानसरोवर जाना चाहे तो डायरेक्ट जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर एंट्री गेट है, ये गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह की यहाँ सिक्योरिटी है, बूम बैरियर सिक्योरिटी है। और ये टाउनशिप जो है सिर्फ 90 प्लॉट्स की टाउनशिप थी, इसके अंदर 111 गज 166 गज के ज़्यादा प्लॉट्स हैं और कॉम्पैक्ट है। तो जो भी साथी जयसिंहपुरा अजमेर रोड मेडिकल हब एरिया के आसपास में अगर प्रोजेक्ट में कोई प्लॉट वगैरह देख रहे हैं रेजिडेंस पर्पज़ से, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आज की डेट में भी यहाँ पे अगर हम देखें कि लैंड इतनी महंगी हो चुकी है, उसके बाद भी काफ़ी सही रेट में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए घर यहाँ पे लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं, दो घर बने हुए हैं, एक घर में तो लोग रह रहे हैं, एक ही अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। पानी की टंकी वगैरह सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं। लैंड बहुत ही अच्छी लोकेशन की है, यहाँ पे घर बना के आप तुरंत रह सकते हैं, ना तो अजमेर रोड दूर है ना जयसिंहपुरा रोड दूर है, और आसपास फ्लैट्स के बहुत प्रोजेक्ट हैं, तो उनमें से ये रेजिडेंशियल के लिए बहुत बढ़िया आपको लैंड वाली प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो अगर आप फ्लैट्स को ना ऑप्शन ना लेके लैंड में चाह रहे हैं इस एरिया में, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी साथी इस पर्टिकुलर एरिया में लेंगे, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि महिंद्रा सेज से इजी कनेक्टिविटी, मानसरोवर से इजी कनेक्टिविटी, वैशाली चित्रकूट एरिया से भी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये इसकी एंट्री वाली पोजीशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जहाँ से अपन, मैं पीछे साइड से जा रहा हूँ, अपन कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं, 40 फिट का रोड है। ये 40 फिट के रोड पर 166 गज के प्लॉट हैं, 30 फिट के रोड पर 100 गज के और 111 गज के प्लॉट हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, 200 फिट का सेक्टर रोड है, जो कि वेस्ट वे हाइट्स योजना जो JDA की है, वहाँ से गोपालपुरा बाईपास वाला जो रोड है वहाँ से निकल के आता है ये रोड, और सीधा रिंग रोड की तरफ।